नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हाथरस हसायन में शिफा क्लिनिक के डॉक्टर ने पत्रकारों को बनाया बंधक। आज आपको बता दें, हसायन के शिफा क्लिनिक के कथित डॉक्टर पर आरोप था कि डॉक्टर के उपचार से एक महिला की मौत हो गई थी। जब इस घटना का कवरेज करने पत्रकार पहुंचे तो शिफा क्लिनिक संचालक अशरफ अली ने उन्हें क्लिनिक के अंदर बंद कर दिया और बाहर से शटर बंद कर दिया। अंदर मौजूद पत्रकारों ने तत्काल इलाका पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस के द्वारा पत्रकारों को शटर खोलकर वहां से बाहर निकाला गया। तब तक शिफा क्लिनिक संचालक कथित डॉक्टर वहां से फरार हो गया। जब इस घटना की जानकारी हाथरस जिले के अन्य पत्रकारों को हुई तो बड़ी संख्या में पत्रकार थाने पहुंच गए, जहां उन्होंने कथित डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग को लेकर थाने में तहरीर दिए। वहीं पुलिस के द्वारा उचित कार्रवाई का पत्रकारों को आश्वासन दिया गया है। आइए जानते हैं गौरव पचौरी पत्रकार ने क्या कहा। हाथरस से संवाददाता पवन गुप्ता की रिपोर्ट। एक महिला बकायंग की द्वारा उसके बाप द्वारा एक बैट दी गई थी कि इसकी महिला की मृत्यु किसी कारण से हो गई थी। वहाँ हम एक डॉक्टर द्वारा बैट देने उसके बुलाया था हमको, उसके द्वारा हमें बंधक बनाया गया। हम यहाँ पर करिए पुलिस एसओ हसन द्वारा हमने सूचना भी दी गई है और ये हमें उसने शटर में बंद कर दिया है। ये इसका पूरा वीडियो है, बोला गया है। ये मौके की स्थिति है, आप देखिए, ये मौके की स्थिति है। मैं कोतवाली जनपद हाथरस में आया हुआ हूँ। मेरा नाम गौरव पचौरी पत्रकार हूँ, मैं रिपोर्टर हूँ। आज दिनांक 8/6/2024 को एक सूचना मिली कि एक नीतू सिंह नाम की एक महिला, उम्र करीब 45 वर्ष, बकायन की रहने वाली थी और उसकी मृत्यु किसी कारणवश से किसी डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगा के कर दी गई थी। तो सूचना पर मैं शिफा क्लिनिक हसायन पहुंचा तो वहाँ के डॉक्टर हैं सराफत अली और कुछ दो व्यक्ति और थे, उनके पिताजी थे और कुछ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा। मैंने उनसे पूछा कि किस कारण से इस महिला की मृत्यु हुई है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप आइए बैठिए। मैं जब वहाँ बैठा तो मेरे साथ एक मेरे मित्र भी थे, वो वीडियो भी बना रहे थे। तो मैंने जब वीडियो बनाई वहाँ पर, मैंने कारण पूछा कि अपना पक्ष रखिए, तो उनके द्वारा मुझे अभद्र भाषा का प्रयोग करते मेरा मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल छीनने के बाद उनके द्वारा मुझे बंधक बनाया गया और एक चाकू रखा था जो किसी ऑपरेशन या किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, मतलब सिल्वर कलर का था। उन्होंने मेरे यहाँ पर चाकू लगा लिया, बोला यहीं तुझे पत्रकार को मारें या नहीं मारें, साले तुम पत्रकार हो, पैसा लेने आते हो, हमसे ऐंठते हो। और मैंने पूछा कि किसी पत्रकार द्वारा पैसा आपसे लेगा, उसका नाम बताइए। बोला साले तू ही पैसा मांग रहा है और तुझे हम मारेंगे और साले रोज रोज का तुम्हारा नोट आएंगे। इस तरह की मुझसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और मुझे वहाँ बंधक बना के रख लिया गया। वो तो किसी भी प्रकार मेरे मित्र द्वारा एसओ हसन धीरज गौतम जी द्वारा एक फ़ोन से बताया गया कि मुझे बंधक बना गया। उनके द्वारा सुशवाल सिंह दरवाजी व पुलिस कर्मियों द्वारा मुझे बंधक मुक्त से वहाँ मुक्त कराया गया। इसकी वीडियो मेरे पास है, एविडेंस सारे मेरे पास है। मैं थाना हसायन पर आया हूँ। मैं आप लोगों से अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं मीडिया कर्मी इस सरकार में लगातार मीडिया कर्मियों पर जो लगातार मुख्यमंत्री के आदेश हैं कि मीडिया कर्मियों पर किसी प्रकार का उत्पीड़न सहन नहीं किया जाएगा, इस सरकार में इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग और मुझे जान से मारने का प्रयत्न किया गया है। इस धारा के शोषण के धारा में यदि मुकदमा अंकित नहीं किया गया तो मैं इसी थाने पर मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ, दोबारा अपनी वाणी को फिर कहना चाहता हूँ, इसी यह 307 का मुकदमा नहीं निकला तो मैं आत्महत्या थाना हसायन में कर दूंगा। कोतवाल साहब से आपने क्या आश्वासन दिया आपको? कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि हम वहाँ महिला के पास जा रहे हैं और उसका पीएम कर रहे हैं और यदि पीएम के आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन मुझे पीएम से कोई मतलब नहीं है कि पीएम हो या ना हो। मुझे सिर्फ ये है कि मैं पक्ष और विपक्ष रखना दोनों का हमारा अधिकार है, पत्रकारों का। हम पक्ष विपक्ष रखने के लिए गए थे, लेकिन इस तरह का कोई पक्ष नहीं कहा, लगा मुझे जान से मारने की प्रयत्न किया, जिसकी वीडियो मैंने आप लोगों को अपलोड करा दी। आपके प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने की क्या कह रहे? प्रार्थना पत्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया अभी तक, तो अभी तक कोई उन्होंने कार्रवाई नहीं की।